नमस्कार, हम अपने YouTube चैनल मंथन में एक विशेष श्रृंखला के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। जैसा हम जानते हैं कि भारत में एक क्रिकेट का एक बड़ा मंच है IPL का, और IPL 15वां का आयोजन हो रहा है। 2022 में IPL 15 चल रहा है। हम इसी IPL से जुड़े सवालों के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे IPL क्विज श्रृंखला को लेकर, और इसमें 14 वर्ष के कम उम्र के कोई भी किशोर या किशोरी प्रतिभागी बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें हिस्सा लें तो आप जरूर अपना नामांकन करें। और आज हमारे बीच में हैं, क्या नाम हुआ आपका? अमन को। अमन जी, तो स्वागत करते हैं अमन जी। अमन, क्रिकेट खेलते हैं? जी जी। कभी कभी या बराबर? कभी कभी खेलते हैं। IPL देखते हैं? जी जी। अब सवाल आपसे पूछें, IPL 15वां चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, देखते हैं अभी जो चल रहा है वो। कल वाला मैच देखे थे? जी जी। कल वाला मैच इन्होंने देखा था, अर्थात कि कल वाला कहने का सेंस है यहाँ पे 28 मार्च को जो मैच खेला गया उसको आपने देखा था। किन दो टीमों के बीच खेला गया था? लखनऊ सुपर जैंग्स। अच्छा। और गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस, दो नए टीमों के बीच में मुकाबला हुआ, अमन जी ने देखा। सवाल आपसे है उसी मैच से जुड़ा हुआ, इसका प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला था? सुनिएगा ठीक से। दुर्मंथा चमीरा, मोहम्मद सामी, दीपक हुड्डा, राहुल तवतिया। मोहम्मद शमी को मिला था। बिल्कुल शहर दिया है, मोहम्मद शमी को मिला था। मोहम्मद शमी को सुंदर गेंदबाजी करने के लिए मिला था। नहीं, मोहम्मद शमी ने इसमें आप बता सकते हैं अपने चार ओवर में कितना रन खर्च किया था? 25 रन। और विकेट कितना लिया? दो विकेट लिया था। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दो नहीं तीन। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अगला सवाल आपसे है, IPL के 15वें संस्करण में शून्य डक, समझते हैं डक, शून्य पर आउट, गोल पर आउट, आउट होने वाले खिलाड़ी हैं। मैं जिसका नाम लूंगा उनमें से बताना है इनमें से कौन है कि IPL के 15वें संस्करण की शुरुआत हुई और आउट हो गए किस पे? जीरो पे। ऋतुराज गायकवाड़ CSK वाले, मनदीप सिंह, शुभमन गिल, ऑल ऑफ दीज सब जी, सबके नसीब में अभी तक 0-0 है जी। यानी 28 तारीख तक के हुए मैच में ऋतुराज गायकवाड़, मनदीप सिंह, शुभमन गिल को 0-0 का स्कोर मिला है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 0-0। IPL के 15वें संस्करण में गोल्डन डक पर आउट होने वाले खिलाड़ी हैं। गोल्डन डक समझते हैं जी? क्या? जीरो गेंद पे जीरो गेंद। याद देखिए, यानी जीरो गेंद नहीं, पहली ही गेंद पर आए और गए। बस आना है और जाना है। KL राहुल, राजा बाबा, ललन साहब, और ए और बी यानी नाम बताइए। KL राहुल, हाँ, राजा बाबा, दोनों आए गए पहले गेंद पे जी। अच्छा, बल्लेबाजी करते हैं कि गेंदबाजी करते हैं या दोनों में से कुछ होना करते हैं? बल्लेबाजी करते हैं। आपके बल्लेबाज यानी जिसको आप पसंद करते हैं, अगर अमन बड़ा होगा तो कैसा बल्लेबाज बनेगा, किसके जैसा, कोई आदर्श? एम एस धोनी जैसा। अच्छा, यू आए और चले गए हैं तो अब आप उनका जगह लीजिए, जगह भरिए। अगला सवाल आपसे है, लखनऊ सुपर जेंट्स वर्सेज गुजरात टाइटंस मैच में सबसे ज्यादा छक्का किस बल्लेबाज ने जड़ा है? आयुष बढ़ोनी, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया। आयुष बढ़ोनी ने। बिल्कुल सही। कितना? तीन सही उत्तर है। LSG लखनऊ सुपर जेंट्स वर्सेज गुजरात टाइटंस मैच में सबसे ज्यादा चौका, बाउंड्री मारने वाला बल्लेबाज है दीपक हुड्डा, आयुष बढ़ोनी,
एच हार्दिक पांड्या, राहुल तेवतिया, दीपक हुड्डा, दीपक हुड्डा, पक्का जी एकदम सही उत्तर दिया है। कितना मारा था? छः, यानी छक्का मारा आयुष बधोनी सबसे ज्यादा और चौका मारा दीपक हुड्डा सबसे ज्यादा। चलिए ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछते हैं। पूछे ना, आपको बताना है आईपीएल 2022 में अभी तक, यानी आज जब आप हमारे बीच सामने आए हैं तब तक, यानी अभी तक जो चार मैच हुए हैं, इसमें सबसे सुंदर स्ट्राइक रेट किसका है? स्ट्राइक रेट समझते हैं जी। एक यानी एक गेंद में रन बनाना, प्रति गेंद कितना रन बनाते हैं या प्रति 100 गेंद में कितना। अगर किसी का स्ट्राइक रेट 178 का है, इसका अर्थ है कि 100 बॉल जब वो खेलता है तो 178 रन मार देता है। आपको बताना है निम्न में से किसका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है? अक्षर पटेल, ओडन स्मिथ, राजपक्सा और डेनियल सैम्स। डेनियल सैम्स, डेनियल सैम्स का करेक्ट आंसर है। डेनियल सैम्स कहां के? वेस्ट इंडीज। ना ना, ऑस्ट्रेलिया। कहां के? ऑस्ट्रेलिया के। चलिए ठीक है, अच्छा आपका अगला सवाल आपसे। आईपीएल के 15वें संस्करण में अब तक सबसे अधिक चौका सब मिलाकर के, अभी तो आपने बताया था वो था लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच के मुकाबले में, लेकिन अब है कि आईपीएल के जो चार मैच हो गया ना, चार मैच की बात की जाए, अब तक में वही चार मैच ही काउंट किए जाएंगे, तो किसके हिस्से सबसे ज्यादा चौके हैं? दिनेश कार्तिक, फॉफ टू प्लेसिस, ईशान किशन, दीपक हुड्डा। ईशान किशन। ईशान किशन के बिहार वाले के जी। जी किधर से खेलता है? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस से खेलता है, बिल्कुल। कितना चौका जा रहा था? 11। राइट आंसर। अगला सवाल आपसे है, आईपीएल 2022 की अब तक सबसे बेकार गेंदबाजी, यानी जिनका गेंदबाजी विश्लेषण काफी खर्चीला रहा, काफी रन खर्चा किए, कौन थे गेंदबाज? सुन लीजिएगा ठीक से, नाम सुनिए। मोहम्मद सिराज, डेनियल सम्स, ओडन स्मिथ और शार्दुल ठाकुर। मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने सबसे अधिक खर्च किया है जी। बता सकते हैं चार ओवर में कितना रन खर्च किया है? 59। चार ओवर में 59 रन सिराज ने खर्च किया है। सबसे खर्चीले गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल, मतलब ये आपके लिए तो नौवां सवाल है, लेकिन नौवां सवाल से पहले एक छोटा सा सवाल ये पूछ लेते हैं, यहाँ बैठे हैं तो डरते ना ना हैं? ना ना, ठीक ठाक लग रहा है ना जी? हाँ जी ठीक। तो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, ठीक है ना, अगले दिन के लिए। हाँ, है कोनो अपने से कम उम्र वाला जी तो भेज दीजिएगा। अगला सवाल आपसे है, कहिएगा उसको कि डरते नहीं है, हम भी नहीं डरे थे, तुम्हें नहीं डरना। आईपीएल 2022 का पहला छक्का किसने लगाया? महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, रॉबिन उथप्पा, आंद्रे रसेल। रॉबिन उथप्पा ने पहला छक्का आईपीएल का दिया है। और अगला सवाल है, आईपीएल 2022 में अब तक सबसे ज्यादा चौका, सॉरी सबसे ज्यादा छक्का किसने लगाया है? सबसे ज्यादा छक्का किसने लगाया है? ऑप्शन ए ईशान किशन, कार्तिक, फॉफ डुप्लेसिस, अक्षर पटेल। फाइव डुप्लेसिस। डुप्लेसिस ने कितना मारा? 7। 7, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आरसीबी के कप्तानी कर रहे हैं फॉफ डुप्लेसिस ने अपने इनिंग में 7 छक्का जारा। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आईपीएल 2022 का पहला चौका और सबसे ज्यादा चौका आज तक के, जब अमन जी के साथ हम हैं तो सबसे ज्यादा चौका भी रविन उथप्पा के नाम है और पहला चौका भी रविन उथप्पा नहीं जा रहा था। तो इस प्रकार से हमारे बीच में थे अमन, और ये जो हमारा हमारी जो श्रृंखला है ये विशेषकर किशोर किशोरियों के लिए है, और इस माध्यम से न केवल उनकी जिज्ञासाओं को जानने की कोशिश हम करते हैं, उनकी सिंचाई करने का प्रयास करते हैं, वरन उनमें विश्वास कैसे पैदा हो और अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं, इसकी भी कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ किशोर किशोरी आईपीएल क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद।